बीएन के सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार के सोमवार को होने वाले चुनाव की समस्त तैयारियां कर ली गई है। दो पैनलों के पांच पांच उम्मीदवारों में आमने सामने की टक्कर में दोनों ही पक्ष अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में लगे हैं। शनिवार को अर्चना सहकार ग्रुप के रतन मेहता व अन्य उम्मीदवारों ने भी मतदाताओं से संपर्क साधा और ब्यावर बीएन के सहकारी समिति के उत्कृष्ट संचालन हेतु वोट की अपील की। अर्चना सहकार ग्रुप के रतन मेहता ने बताया कि पूरे दमखम के साथ सभी मतदाताओं से संपर्क साथ सभी को बीएन के संचालन से उपभोक्ताओं को होने वाले फायदों से अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व चुनाव 1998 में हुआ था, उसके बाद सीधा 2023 में चुनाव संचालन हो रहा है। ऐसे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ताओं को होने वाले फायदे महंगाई के दौर में राहत का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 460 करीब मतदाता हिम्मत का प्रयोग कर सकेंगे। उनके पैनल की जीत के बाद कई योजनाओं के साथ नए उपभोक्ताओं को जोड़कर ब्यावर में महंगाई से राहत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। रतन मेहता ने बताया कि अर्चना सहकार ग्रुप के पास 7 में से 2 सीटें सुरक्षित हैं। महज 2 सीट पर जीत के बाद उनके पैनल को मजबूती मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि उनके पैनल में बैलेट नंबर 1 पर पूर्व पार्षद इंदु शर्मा, बैलेट नंबर 3 पर जय स्काई चैनल निदेशक गोविंद शर्मा, बैलेट नंबर 6 से स्वयं रेलवे सलाहकार समिति सदस्य रतन मेहता, बैलेट नंबर 7 से रमेश नागोरा और बैलेट नंबर 9 से पूर्व पार्षद रेणु दग्धी चुनावी रण में है। पैनल बनाने हेतु 7 सीटों में से पहले ही 2 निर्विरोध सीट जो कि सुरडिया ग्राम सहकारी समिति व अर्चना महिला सहकारी समिति है, उक्त दोनों सीटें अर्चना सहकारी ग्रुप के संयोजक नौरतमल बापना रतन मेहता पैनल को मिल चुकी है। ऐसे में अर्चना सहकारी ग्रुप के 5 उम्मीदवारों में से महज 2 की जीत होते ही अर्चना सहकारी ग्रुप अपनी मजबूत दावेदारी कर पाएगा। रतन मेहता ने बताया कि शहर के चर्चित गणमान्य नागरिक उपभोक्ता समिति के चुनाव के लिए एलिजिबल है और उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। अर्चना सहकार ग्रुप के उम्मीदवारों ने बीएन के मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। अर्चना सहकार ग्रुप के समर्थन में वोट देने के लिए रतन मेहता नौरतमल बाफना ने बैलेट नंबर 1, 3, 6, 7, 9 पर अपने मत की अधिकार का प्रयोग कर ब्यावर में ईमानदारी और व्यवहार पारदर्शिता रखते हुए सदस्यों के हित के लिए वोट देने की अपील की है।